Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my channel and another new recipe. So, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हमारे किचन में बना है मज़ेदार से चिकन सूप जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है. चलाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. चिकन सूप बनाने के जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं चलाएं चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ. हमें सबसे पहले चाहिए चिकन बॉयल की हुई, यह हमें चाहिए एक पाव 250 ग्राम्स और इसको हमने रेशे करके तोड़ लिया है. चाइनीज़ सॉल्ट यहाँ पर हमने लिया है 1 पिंच. इसके बाद हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर आधा पाव 125 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया. इसके बाद हमें चाहिए ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, तो हमने यहाँ पे पेस्ट बना के ग्रीन चिली का, तो हम 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट लेंगे. ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए यहाँ पर हमें 1 टीस्पून. अगर आप लोग ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा से स्पाइसी हो जाएगा. नमक हसबी ज़रूरत, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं. चिकन पाउडर यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है. अंडे बीट किए हुए 2 अदद. इसके बाद हमें चाहिए पापड़ी, ऑप्शनल, अगर आप लोगों को सूप के अंदर ये अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा. वेनेगर यहाँ पर हमने लिया है, हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं. सोया सॉस चाहिए हमें. इसके बाद चाहिए हमें यहाँ पर चिली सॉस, आप लोग कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं. तो हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 1 कप बाउल ले लिया और उसके अंदर अब हम कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे लम्प्स बिल्कुल भी ना बने. तो इसीलिए आप लोगों ने भी पहले ये करना है कि विदाउट फ्लेम इस मिक्सचर को हम पहले रेडी करेंगे, इसके बाद हम इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे. तो हमने यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम पहले विदाउट फ्लेम इस मिक्सचर को रेडी कर लें. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉर्नफ्लावर इसके अंदर हम ऐड करें. हमने एक बड़ा बाउल ले लिया और उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसके लम्प्स वगैरह सब निकल जाएँ. तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है. चलते हैं हम बाकी की रेसिपी की तरफ. तो हमने यहाँ पे क्या करा है, जो हमने चिकन को बॉयल किया था ये उसी का पानी है, तो हमने इसको वेस्ट नहीं करना. वही पानी के अंदर हमने क्या करा है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर 2 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरीके से हमने बॉयल आने दे दिया. तो जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा एक बार, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट जो कि हमने इसके अंदर ऐड करा है 1/2 टेबल स्पून. इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर, ये हमने लिया था 1 टेबल स्पून. इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए आप लोग भी ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा. इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर. इसको अच्छी तरीके से हमने एक बार मिक्स कर लेना है. यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने बनाया है वो. इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है ताकि हमारे कहीं पे भी लम्स ना बने और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. तो अब हम यहाँ पर इसको मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर को हम डालते रहेंगे. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बाकी का जो हमारा कॉर्नफ्लावर अभी उसके अंदर रह गया, उसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी. इसके बाद हम इसके अंदर और भी डालेंगे. तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया और उसको हम डाल रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता से चमचे को मिक्स करते रहना है. तो यहाँ पर ये मिक्स होता रहेगा जितना आप लोग मिक्स करेंगे और ये थिक होता रहेगा. इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, हद पे ज़रूरत, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे. तो अभी हम थोड़ा सा और नमक इसके अंदर ऐड करेंगे. इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो कि हमने यहाँ पर लिया था 1 टीस्पून. तो यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया. इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच चाइनीज़ सॉल्ट. तो यहाँ पर हमने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दी. इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आज ही मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले. अगर आप लोग नए हैं और आपने मेरी बाकी की रेसिपीज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर भी जाके सारी रेसिपीज़ के लिंक देख सकते हैं और वीडियोज़ को इंजॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करें और ये देखें ये
जब हमने इसको कॉर्नफ्लावर को डाला था तो इसका कलर बिल्कुल वाइट था और इसका कलर अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, येलो येलो सा हो चुका है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये थिक हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप के ऊपर हमने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं जो कि हमने लिए थे 2 अदद। उसको अच्छी तरीके से हमने बीट कर लिया था तो उसका अच्छा सा एक पेस्ट बन गया। तो हम यहाँ पर वो ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा अंडा ना रहे। तो हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते रहना है और सारे अंडे हमने इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर दिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर हमने अभी तक चिकन ऐड नहीं करी तो अब हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने ली थी चिकन 1 पाव 250 ग्राम्स और उसको हमने रेशा रेशा कर लिया था। तो हमने यहाँ पर थोड़ी चिकन अभी डाल दी, बाकी हम गार्निशिंग के टाइम यूज़ करेंगे जो कि हर बंदा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग सूप को खुद से बना सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और ये सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो अब हम यहाँ पर इसको सर्व करते हैं, अच्छी तरीके से सर्व करेंगे और इसकी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी गार्निशिंग करेंगे ताकि जो बंदा इस सूप को एंजॉय करे उसको देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो अब हम यहाँ पर इसको सर्व कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है तो इसलिए प्लीज़ मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर क्रश करके थोड़ी सी पापड़ी ऐड करी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। आप लोग भी इस तरीके से चिकन ऊपर से डाल दिया करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी बाकी की ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग देखें तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त दिल्ली स्टाइल के खाने, पकवान स्टाइल के खाने, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने सोया सॉस ऐड करा है, विनेगर ऐड करा है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। तो हमने यहाँ पर चिली सॉस ऐड कर दिया। तो ये अब हम इसको इंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा सूप बना है। आप लोग मेहमानों के आगे इसको सर्व कर सकते हैं, इस सर्दी के मौसम में सब ही इंजॉय करते हैं सूप, किसी को बेहद पसंद होता है सूप। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं जल्दी से शेयर कर दूं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ चिकन सूप। तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आप लोग भी रह जाएंगे सूप बनाने से। तो इसे जल्दी से ट्राई कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।